दोस्तों कल इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले है और ऐसे में अब कंटेस्टेंट की वोटिंग रैंकिंग और उनकी रेटिंग होने लगी है आउट। क्या है इस समय की वोटिंग की रैंकिंग, कौन सा कंटेस्टेंट आगे निकल रहा है और कौन सा पीछे रह गया है, चलिए हम आपको बताते हैं डेली ब्रेकिंग न्यूज की इस रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कर दें लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों इंडियन आइडल 12 के फिनाले की रैंकिंग आपको हिला के रख देगी क्योंकि कुछ कंटेस्टेंट आगे निकल गए हैं और कुछ पीछे रह गए हैं और ऐसे में नंबर 6 पे है नेहाल टारो। जी हाँ दोस्तों, नेहाल टारो की रैंकिंग नंबर 6 पे आई है। नंबर 5 पर है स्याली कांबले। स्याली कांबले की रेटिंग गिरती आई है, पहले स्याली कांबले नंबर 3 और 4 पे बनी हुई थी पर अब वो नंबर 5 पे आ गई है। तो वहीं मोहम्मद दानिश की भी रैंकिंग गिरती आई है, जो वोट्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मोहम्मद दानिश नंबर 4 पे आ गए हैं। लेकिन शनमुखा प्रिया, जिनको पूरे सीजन में ट्रोल किया गया, वो नंबर 3 पर पहुंच गई हैं। शनमुखा प्रिया ने अपने अलग अंदाज की सिंगिंग की वजह से काफी सुर्खियां बटोरी हैं। यू हेट हर आर यू लव हर बट यू कांट इवन इग्नोर हर, यही वजह है कि नंबर 3 पर है शनमुखा प्रिया। नंबर 2 पर है पवनदीप राजन। जी हां दोस्तों, पवनदीप राजन को भी बड़ी मात्रा में वोट्स मिल रहे हैं और यही वजह है कि वो नंबर 2 पर हैं। लेकिन अरुणीता और पवनदीप के बीच में बहुत ही कम फासला है, सिर्फ 2.5% वोट्स का ही फासला है और अरुणीता कांजीलाल नंबर 1 पर ही बनी हुई है। लेकिन अगर पवनदीप राजन के वोट्स में इजाफा होता है तो पवनदीप अरुणीता को पीछे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट की वोटिंग रैंकिंग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को कर दें लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें।